In a non-Abrahamic world, you questioned the deity that you believed in, whether it was nirgun, that means formless, or sagun, that means in a form. जिसके गुण थे, जैसे हमारे nirgun brahman भी होता है, sagun brahman भी होता है. तो there is nothing new. That is literally being Hindu. Hmm. तो पहले ये कभी भी नहीं सोचना और ये मैं मेरे को बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि भैया मुझे विश्वास नहीं होता मतलब वेरी गुड वेलकम टू हैं और तू फिर से विश्वास करने लगता है तो भी मैं तेरा दोस्त हूं और अगर तू मेरे जैसा रह जाता है कि भाई अपने को तो नहीं ये समझ पाता तो भी मैं तेरा दोस्त हूं फिर आपने उस वैल्यूज और गुड लाइफ को जीने वाली और किनशिप और कंपैशन ये सब चीजों को कैसे सॉल्व करा विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड सो मॉरलिटी प्रश्न ये है कि हाउ डू यू बी मॉरल इफ देर इज नो गॉड और इवन बी अ गुड ह्यूमन बींग राइट तो उसका सिंपल फर्स्ट आंसर इज दैट देर इज एन अंडरलाइंग असेंशन हियर दैट मॉरल कम फ्रॉम गॉड your what, richard dawkins has disproven that he has said that uh, morals don't come from god he people human decency precedes god Yeah. right he said that so see at a fundamental level right this is how this is where uh, how let's say some um, some practicing hindu uh, astic or agnostic भी होते हैं जैन भी नास्तिक होते हैं मगर बुद्धिस्ट एंड जैन डू बिलीव पुनर्जन्म और सिखों को भी उस सेंस में नास्तिक बोला जाएगा क्यों पहले, वो, पहले ना हमें हमें बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे कि वॉट इज आस्तिक वॉट इज नास्तिक यहां पे क्या होता है आदमी नास्तिक बोल देता है तो वो समझता है एथियस नास्तिक इज नॉट नास्तिक एंड आस्तिक में होगा कि आस्तिक दर्शन होते थे स्कूल्स ऑफ थॉट बोल लो उसको लूजली और तीन ओरिजिनल नास्तिक दर्शन होते थे तो अभी था ही नहीं तो हम कैसे उसको करें अब उनका जो आस्तिक और नास्तिक का डिमार्केशन था सिखिज्म पर डिबेट हो सकती है कि वो आस्तिक है कि नास्तिक है वो अभी वो सिखों के ऊपर छोड़ देते हैं मगर

वो में मानता है लेकिन उसके सुप्रीम क्रिएटर में नहीं मानता ना nah. तो आप को मानते हो ना यू डोंट इवन बिलीव इन द नो आई डोंट बिलीव अ सुप्रीम अथॉरिटी मानना मानना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय मैं हमें मेरे हिसाब से तो एवरी बुक इज इज नो प्राइमरी वाक टेक्स्ट लेट्स गेट वन थिंग वेरी क्लियर चारवाक की कोई प्राइमरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है ऑल वी नो अबाउट द इज दट वॉज रिटर्न अबाउट थ्रू पीपल हु स्टील मैनिंग और हुयर पूर्व पक्ष सो वन ऑफ द थिंग्स इज द सर्वदर्शन संग्रह बाय माधव विद्यारण्य hmm. तो उसमें उन्होंने नौ के नौ दर्शन के बारे में लिखा हुआ है फर्स्ट वॉज चार ठीक है तो वो एक है मगर वो भी किसी चार मगर एक सर्वाइविंग चार वाक टेक्स्ट है ही नहीं एक रीजन हो सकता हीरो सर्वाइव नहीं कर सकते थे एक ये पॉसिबिलिटी है हाँ. दूसरा ये है कि वो सारे मेरे जैसे थे देवर अट ऑफ एवरी थिंग एंड देवर ऑल अराउंड यू एंड हार्ड कोर रिजेक्ट सो

छप्पन और सत्तावन फिफ्टी सिक्स एंड फिफ्टी सेवन जो मैंने बुक में कोट की है सांख्य कारिका वो क्लियरली कहते हैं कि यू डोंट नीड अ क्रिएटर द क्रिएटर डज नॉट कम अब इसमें कहानी में ट्विस्ट सांख्य डज नॉट रिजेक्ट द सिक्लिकल नेचर ऑफ आत्मन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स पुनर्जन्म में मानते हैं नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल don't नीड अ क्रिएटर टू लेट द साइकिल ऑफ रिबर्थ है या

और उसको बोलना तू भगवान में मानता है हाँ भगवान में मानता हूं अबे तेरा धर्म नहीं मानता जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन अ क्रिएटर गॉड कैटेगोरिकली स्टेटेड और आंसर क्या है द यूनिवर्स ऑलवेज एग्जिस्टेड इफ इट ऑलवेज एग्जिस्टेड वाई डज इट नीड अ क्रिएटर अब ये जैनों को नहीं मालूम कि जैनिज्म क्या है यही तो ब्यूटी है दुनिया की आप मैंने आपको बोला ना आप जस्ट एक मंडे इन एग्जिस्टेंस जी रहे हो आपको नहीं मालूम आपका धर्म क्या कहता है और आपको जो आपके धर्म के बारे में मालूम है वो सिर्फ आपको ये मालूम है कि मम्मी डैडी मुझे महाराज साहब के वहां लेके गए या पुजारी जी के वहां लेके गए पुजारी जी, ले जी के पास माइक था माइक पे पुजारी जी बोले वो जो बोले वो मैंने सुना और पुजारी जी पिक एंड चूज करते हैं क्योंकि पुजारी जी को भी तो अपना कंटिन्यूटी करनी है तो अभी जैनिज्म जेनिज्मल्सो ड नॉट बिलीव इन अ क्रिएटर गॉड इट इज नास्तिक बट जेनिजम ऑल्सो बिलीव इन पुनर्जन्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स आई एक्सप्लेन दिस नास्तिक आस्तिक एक आस्तिक है जो ईश्वर में नहीं मानता मगर पुनर्जन्म में मानता है एक नास्तिक है वो ईश्वर में नहीं मानता और पुनर्जन्म में, में मानता है